हेलो गाइश, कैसे हो आप सब। बॉलीवुड प्रियांशु में आपका स्वागत है। 43 साल की उम्र में मां बनी बिपाशा बसु अपनी बेटी के लिए काफी प्रोटेक्टिव है। वो और उनके पति करण सिंह ग्रोवर अपनी बेटी पर जान छिड़कते नजर आते हैं। कपल ने अपनी बेटी का नाम देवी बसु सिंह ग्रोवर रखा था। बिपाशा बसु ने हाल में ही बताया है कि उनकी बेटी के पैदा होने के बाद उनके दिल में दो छेद थे, जिसके 3 महीने बाद उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। बिपाशा बसु ने नेहा धूपिया के साथ बातचीत करने के दौरान इस बात का खुलासा किया है कि दिल में दो छेद थे। बिपाशा ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया है कि उनकी बेटी के जन्म के 3 दिन बाद उन्हें पता चला था कि उनकी बेटी के दिल में छेद है, और उन्होंने बताया उनके लिए यह कितना कठिन था कि अपनी छोटी सी बच्ची को ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भेजा जाए। उन्होंने खुद को मजबूत किया और बेटी की सर्जरी हुई। बिपाशा ने बताया कि बेटी देवी अब ठीक है, और बिपाशा यह भी बताती थी, मैंने सोचा था कि मैं इसे शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं इसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी माएँ हैं जिन्होंने इसमें मेरी मदद की है, और उन माताओं को ढूंढना बहुत मुश्किल था। और उन्होंने बताया, हम एक पागलपन भरे दौर से गुजरे हैं, हमें अपने परिवार से इस बारे में बात नहीं की, हम दोनों थोड़ा डरे हुए थे और करण चुन पड़ गए थे। पहले 5 महीने हमारे लिए बहुत कठिन रहे, लेकिन जिस तरह बड़ा छेद था और हमें बताया गया था कि ये खतरनाक है, आपको सर्जरी करानी होगी, और सर्जरी तब करना सबसे अच्छा होता है जब बच्चा 3 महीने का हो जाए। बिपाशा ने बताया कि जब हमारी बेटी 3 महीने तक ठीक नहीं हुई तो मैंने सर्जरी कराने का फैसला ले लिया, लेकिन करण तैयार नहीं थे। मुझे पता था कि उसे ठीक होना होगा और मुझे लगता था कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन मुश्किल ये था कि अपने बच्चे का ऑपरेशन सही जगह और सही समय पर कैसे कराएं। बिपाशा ने बताया, जब देवी 3 महीने की थी और ऑपरेशन 6 घंटे तक चला, फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे।